ये डरे हुए लोग हैं, ये राहुल गांधी से डरते हैं। हमारे जात का मुख्यमंत्री, हम फलना जात है, हमको बना दो, मेरा बाप को बना दो, मेरा बेटा को बना दो, मेरा बेटा मुख्यमंत्री के लायक है, तेरा बेटा नहीं है। इसके अलावा बिहार में होती क्या, कौन सी विरासत बचाना चाहते, जाति की या अपनी? इस बिहार में कौन जाति का मुख्यमंत्री होगा, मुसहर होगा कि पासवान होगा, मांझी होंगे कि राम होगा, यादव होगा कि कोड़ी होगा, कुर्मी होगा कि बावन होगा? जो भाजपा संविधान विरोधी हो, ओबीसी विरोधी हो, जाति जनगणना के विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, एक भी मुख्यमंत्री बिहार भारत में ओबीसी नहीं है, एक भी मुख्यमंत्री भाजपा ने दलितों को नहीं बनाया, एक भी सेक्रेटरी दलित और ओबीसी नहीं है, नेता और सिस्टम और ये राइफल को मैं पैर की धूली समझता हूँ, ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा। मेरा पहला सवाल है, तीन तीन बार चर्चे बाद फैक्ट्री चल के बंद क्यों होगी? दूसरा सवाल है कि 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ की संपत्ति 5 करोड़ में बालू शराब माफिया को क्यों उसके हाथ में बेचा जा रहा है, उसकी जांच मैं चाहता हूँ। दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए, नेता की मिली भगत क्या है? SPO और जो जो पदाधिकारी यहाँ पर रहे, जो बड़ा से बड़ा खान, बड़ा से बड़ा पहाड़ को बेच दिया, बड़ा से बड़ा गिट्टी से आज माफिया बन गया, इस सोन नदी से लगभग माफिया किसान बर्बाद हो गए और माफिया फॉर्चूनर पे चढ़ गया, और आज डालमिया नगर में जो 50 साल से लोग रह रहे, जिसको पहले कोर्ट कहती है आप भाड़ा दीजिए, बिजली जोड़ देता है और उसके राइट्स देते हैं, जब हम टैक्स पे हो जाते हैं, जब हमारा राइट होता है, हमारे बच्चे जब जीने लगते हैं, तब हमारे भीतर डर और अभाव हो जाता है, फिर आत्महत्या के अलावा क्या रास्ता बचता है हम आदमी के, उसके बच्चे कैसे जिएंगे, क्या हम उसको बेघर कर देंगे? तो पहली प्राथमिकता बरवा जी से हम आग्रह करेंगे कि आप माफियाओं के हाथ मत जाइए, वो लोग कुछ नहीं है, ये नेता और सिस्टम और ये राइफल को मैं पैर की धूली समझता हूँ, ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा। आप सिस्टम को खरीद के भले डरा दीजिए, लेकिन आपको भी डरना पड़ेगा। मैं इस लड़ाई को, जिसकी पहली प्राथमिकता जिसको दिल्ली चाहिए, जो यहाँ 50 सालों से है या जो कुछ लोग बाहर के आके रह रहे हैं, उनको आप प्राथमिकता दीजिए ताकि वह अपनी जिंदगी को जी सके। जब आपको बेचना ही हो, बेच तो साजिश के तहत रहे हैं आप, इतनी अच्छी संपत्ति, इतनी अच्छी सारी चीज़ों को, बगल की फैक्ट्री जो चल रही थी उसको भी सबको बंद करके पूरा का पूरा नेचर को समाप्त कर आप सासाराम को, इस जिंदगी को आप लोगों ने तबाह कर दिया, नेता माले माल हो गए। सासाराम जिला ना, सासाराम है ना? जी 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 जी, ये इंटरप्रिटेशन करने लगे हम, इसीलिए मैं आपको पहले भी कहूँगा कि ये जो सासाराम है, रोहतास है, डेहरी है, सब है, सबकी जिंदगी तबाह माफिया नेता पदाधिकारियों ने कर दी है। इस लड़ाई को सोशल मीडिया का स्टूल बन के हम अम्पिट्स फ्रीडम और जस्टिस और इतने दिन से रहने वाले आम आदमी बरवा से बात करेंगे, CM से बात करने का इस पर प्रयास करेंगे और इस लड़ाई को हम जीतने के लिए लड़ेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती, मैं एक परिवार की तरह इस लड़ाई को लड़ने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जज साहब हाईकोर्ट में बैठ के अपने निर्णय लेते हैं, बदलते हैं, निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा एक अच्छे लॉयर से बात कर, पुनः मैं जाकर कि मैं देखूँ कि इस समय मामला क्या है, भीतर क्या क्या चल रही है, कौन कौन सी खिचड़ी पक रही है और कौन कौन लोग इसके पीछे औने पौने धाम में लेकर यहाँ पर यहाँ की जिंदगी को तबाह करने में लगी हुई है। ये लड़ाई हमारी होगी और इस लड़ाई को लड़ाई समझ नहीं आता, पहले जितना जात मरता है, जात का तुमको पता नहीं, इंसानियत का पता नहीं। पहले विरासत, आप तो 6 मंत्री क्यों हटा दिए, आप नीतीश जी से बने, कौन सी विरासत बचाना चाहते हैं, जाति की या अपनी? इस बिहार में कौन जाति का मुख्यमंत्री होगा, मुसहर होगा कि पासवान होगा, मांझी होंगे कि राम होगा, यादव होगा कि कोड़ी होगा, कुर्मी होगा कि बावन होगा? इसके अलावा कुछ चलता है? आम आदमी की बात को करता है, गरीब की बस? हमारे जात का मुख्यमंत्री, हम फलना जात है, हमको बना दो, मेरा बाप को बना दो, मेरा बेटा को बना दो, मेरा बेटा मुख्यमंत्री के लायक है, तेरा बेटा नहीं है।
इसके अलावा बिहार में होती क्या? ये घिनौनी हरकत, गंदी राजनीति के अलावा क्या होता है? सर हमको प्रवक्ता भाजपा के है नहीं। जो भाजपा संविधान विरोधी हो, ओबीसी विरोधी हो, जाति जनगणना के विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, एक भी मुख्यमंत्री बिहार भारत में ओबीसी नहीं है, एक भी मुख्यमंत्री भाजपा ने दलितों को नहीं बनाया, एक भी सेक्रेटरी दलित और ओबीसी नहीं है। 9 साल और 5 साल पहले अभी तक आपने जो 15-10% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को दिया, मैं 15% आरक्षण चाहता हूं ऊंची जात के गरीब को मिले, लेकिन 72 से 77% आरक्षण आप ओबीसी को तो दीजिए, दलित को तो दीजिए। आप मेरा जब हमसे आप हिस्सेदारी लेके मेरे परिवार को देंगे, भाई को देंगे, मेरी हिस्सेदारी पूरा दीजिएगा कि नहीं? ये भाजपा मेरी हिस्सेदारी छीन कर मेरे भाई को दिया, या पप्पू यादव का चाहता था कि मिले, लेकिन मेरा जो राइट है वो तो मिले। ये दलित ओबीसी विरोधी है, ये खोटा चलाता है, ये कोई चला ले। अब जैन है नीरव मोदी है जैन, और ललित मोदी है मरवाड़ी। पहले 9 साल में ही ओबीसी और दलित के लिए एक काम किया वो बताइए ना। ये किसी को लाएंगे, आरएसएस का मुखौटा होगा, और यह देश अब आरएसएस के मुखौटों पर दलित गरीब का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सर मुझको ये डरे हुए लोग हैं, ये राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल मोतीलाल नेहरा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी की विचारों पर चलने वाली जो पार्टी है वो इतने गंदे लोगों से कभी ना डरी है ना डरेगी। वो आप सब कुछ छीन लीजिए, ये दुनिया देख रही है, लोकतंत्र को मिटाना चाहता है, संविधान को ये बदलना चाहता है। 24 में ये आ गया कि अमेरिका सिस्टम ये राजनीति लाना चाहेगा, कोई लोकसभा का विधानसभा का चुनाव नहीं हो, अकेला राष्ट्रपति प्रणाली पर जाएगा, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये बदलना चाहेगा, इसीलिए इसको बदलना चाहिए। लास्ट सवाल चलना, राजस्व जाता है पानी से सर, और पानी